हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? नो पर फ्रॉग के आ गए कॉर फेस टू फेस चैलेंज रेस के साथ। आज तो हम दोनों ही हेलमेट क्रोमाला है, मतलब टक्कर की गाड़ियां हैं। अब तो देखने वाला सीन है ना कि कौन जीतता है गाइस। स्टार्टिंग में मैंने उसकी गाड़ी को ना ठोक डाला है, वो गाड़ी जैसे टकराई है वैसे टर्न हो गई। उसको सही से गाड़ी को चलाना नहीं आता, वरना अगर गाड़ी टकरा भी जाती है तो गाड़ी को एकदम सीधा रखने का, टेढ़ा नहीं करने का। और ये क्या सीन है? ओके गाड़ी सी हारे, चुड़ैल कहीं की चुड़ैल लाते गाड़ी मेरे गाड़ी के मुंह पे जाके दे मारी है इसने। और यहाँ पे शॉकिंग बोर्ड नहीं है गाइस, यहाँ पे एक जंप ऊपर नीचे कूद रहा है जो कि हमें काफी रोकने वाला। मैं गिरी गिरी गिरी, वो बच गई। ओह माय गॉड, मैं बच गई। और गोल्फ कार्ट के साथ जो बेड सीन है ना वो ओके। यहाँ पर नुब ने भी फर्स्ट गाड़ी डिलीवर कर दी है फाइनली, मतलब कि ऑलमोस्ट दोनों की गाड़ियां बढ़िया थी एक टाइम पे हमने डिलीवर किया। अब जो मजा है ना, असल मजा देखने वाला है, क्योंकि दोनों के पास सेम टू सेम गोल्फ कार्ड है। अगर जो हम दोनों एक टाइम से डिलीवर कर पाते हैं तो मतलब नुब भी थोड़ी थोड़ी प्रो तो हो गई है। और गाइस यहाँ पर जो ये जंप वाला सीन है ना, ये थोड़ा सा अजीब सीन है क्योंकि ये ऊपर नीचे जा रहा है, और अगर हम एकदम फास्ट गाड़ी लेकर आते ना तो इससे टकराना और नीचे गिर जाना। नुब नीचे गिरते हुए नजर आई है, तो मतलब नुबड़ी है ना, तो वो नुब है, वाकई में है। उसे मैं कैसे प्रो बोलूं, जीती नहीं है, बहुत बुरा सीन है। और यहाँ पर मुझे मिला है चार नुब, वो नुब पीछे है तो मैंने गाड़ी को टर्न कर लिया, अदरवाइज में फिर रिस्पॉन मारती नुबड़ों की तरह क्या करती। लेकिन नुब है ही नहीं, जब है ही नहीं नुब तो क्या फ़ायदा फिर फटाफट से रिस्पॉन मारने का। कहीं ये जो सर्कल बना हुआ है काफ़ी कूल है, मतलब ब्लैक कलर का एक बड़ा सा सर्कल, इससे हम पानी में अच्छे से तैर पाते हैं। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मतलब हमसे तो ज़्यादा ही बड़ा है, और इसमें गाड़ियाँ तैर भी नहीं पाएंगी, तो इसलिए काफ़ी अच्छा ब्रिज बनाया हुआ है। बट यहाँ से सीधा जाने के बाद आपको एक अच्छी जगह दी है रुकने वाली, जहाँ आप गाड़ी को टर्न कर सकते हो। उसके बाद ओह बाय गॉड, ये जो दो ट्रैक्स है ना जिसके बीच में होल है इतना बड़ा, ये बहुत डेंजरस है, और चार्नोबुक मुझे नहीं लगता जा पाएगा क्योंकि काफ़ी पतली है। नहीं ठीक है, चार्नोबुक के सेम साइज़ की है, बस अगर इससे कोई मोटा या कोई बड़ी गाड़ी आती है, ट्रक आता है, तो मुझे लगता है टू डिफ़िकल्ट होने वाला है। ओके गाइस, यहाँ पर नुब ना गोल्फ कार्ट को लेकर लुढ़के जा रही है, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि गोल्फ कार्ट का क्या सी... अरे उसके देखने के चक्कर में मेरा ट्रक गिर गया, और रे 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 उसको ना देखती तो सही रहता। इन्हें सारा फोकस उस पर गया और चारनो बुक पतला से फसल गया ट्रैक से, बहुत ही गुस्सा आ रहा है। रिस्पॉन करने पर मैं बिल्कुल एट द एंड पहुँच गई थी एकदम सही तरीके से, बस ये ना ठीक से सीधा नहीं चलता है, अदरवाइज ये सीधा चले, अरे टकराना नहीं, मैंने मार दूंगी खींच के थप्पड़ मगरमच्छ के मुंह पे। और फाइनली गाइस नुब आ गई है मुझसे मार खाने के लिए, और अब तो नुब तो गई, तेरी चटनी बना। ओह माय गॉड गाइस, उसकी गोल्फ कार्ट ब्लास्ट हो गई है, मतलब कि बॉम्ब के जैसे फट गई, या तो ऐसा लग रहा था जैसे अपने साथ बॉम्ब रखकर ला रही हो। मैंने चारों बुक ना उसे पीस दिया है, और छोटी गाड़ी को ना चारों बुक आराम से खात्मा कर सकता है। और अब मैं उस साइड से नहीं गई हूँ, बिकॉज उस साइड से मैं लुढ़क गई थी, तो मैं इसी साइड से जाऊंगी, और जबकि नुब वहां से आ रही है, बट इट्स ओके। एक बार तो मैंने उसे इतना खतरनाक मारा है कि उसे ऐसा गुस्सा आया होगा कि उसका शक्ल, उसकी जो शक्ल थी ना वो देखने वाली होगी। अभी हम एक दूसरे को देखते हुए जा रहे थे, गुस्सा तो नुब को बहुत आ रहा होगा। अभी मैंने नुब को इतना ज़ोर से मारा है कि नुब हैरान हो गई होगी, और अगली गाड़ी मेरी और भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। बस अब तो नुब गई, फैंटम वेज तो कमाल कर देगा। ट्रैक थोड़ी सी खतरनाक है, इसकी नाक इधर उधर टकराती है, तो नुब ऑलरेडी दोबारा से गिर गई थी। और गाइस आगे येलो डॉट दिखा रहे हैं, तो आई थिंक कोई चेक पॉइंट वाला सीन है। अगर चार नुब ये दोबारा से मुझे लाना है तो बैड सीन है, क्योंकि कभी कभी मुझे इससे डर लगता है, फैंटम वेज की नोक ना कहीं अटक जाती है ना, तो सीन गंदा क्रिएट कर देती है। अब ऐसा ना हो, ओके चेक पॉइंट क्लियर ही करना है। रुक जाओ। अरे गिर गया, एक बार फिर से रिस्पॉन करके जाना पड़ेगा, वापस से वहीं से जाना पड़ेगा, और बिल्कुल एंड में पहुंच गई थी। ये बहुत गंदा सीन हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। नुब होती और से गिरा देती ना, थोड़ा बहुत सुकून आ जाता, लेकिन नुब नहीं थी तो मैं क्या करती, अकेले लुढ़क गई। इतनी पतली ट्रैक है, ऊपर से ये इन्होंने एक मुसीबत लगा दी है, बहुत ही खतरनाक सी, लाइक ट्रैक्स के साथ साथ और मुसीबतें डाल देते। अब गिरा ना मार दूंगी खींच के, अगर अब गिरा तो शुगर है कि बच गया है। मुझे लगा था अभी भी गिरने वाला है, लेकिन अब मैं इसको बिल्कुल स्मूथली चलाऊंगी और बहुत आराम और प्यार के साथ, क्योंकि नुब तो छोटी गाड़ी लाने वाली है। आगे से नुब के पास चार नुब आ भी जाएगा,
तो टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने तो कर लिया क्रॉस, अब वापस से इसको लेकर जाना है, मतलब मैंने सही समझा था। क्योंकि इतना स्टार्टिंग में रेस का एंड होने का कोई तुक ही नहीं बनता है, और बिल्कुल स्टार्ट था ये तो। इधर मज़ा आ गया, नुप आ गई थी इतनी मुश्किलों के बाद, क्या उछाला, मज़ा आ गया, कसम से मज़ा आ गया। और फाइनली मैं इसको ले आई हूँ। एक बार ही गिरा था, बहुत गंदा सीन हुआ था, एंड टाइम पे गिर गया था, इतनी पतली पतली ट्रैक से थोड़ी तो मोटी दे देते कसम से, इतना बुरा सीन है ये तो, बहुत बैड सीन है कि दोनों ट्रैक्स इतनी पतली है, तो एक मोटी दे देते एक पतली, लेकिन नहीं, बना देते ऐसी ट्रैक्स की जो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड बना देती है कॉम्पिटिशन को। बट इट्स ओके, हमें हार्ड से डर नहीं लगता है। इधर आ तू, इधर आ, इधर से किधर से आ रही है, इधर आ, मेरे रास्ते में आ रही है। अच्छा, मैंने रास्ता बदला इसलिए था कि नुप को गिरा सकूँ, जबकि मैं उस साइड से जा रही थी। पंगा लेने का ना मुझे भी बहुत शौक है, मैं आराम से पंगे लेती हूँ, मुझे डर वर नहीं लगता है। ओके, नुप जा रही है, क्या मैं नुप को पकड़ पाऊंगी, बिकॉज मेरे पास बस है। नुप थोड़ा सा आगे, गोल्फ कार्ट की भी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, तो शायद मैं उसे गिराऊँ और वो रुकी हुई है। अरे मेरे टाइम पे क्यों ओपन हुआ, चली जाएगी। उसको मैं मार नहीं पाऊंगी। अरे रुक जा, नुप 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 नुप, आ रही हूँ मैं, वो देख नुप रुक जा 2 मिनट के लिए, मैं बहुत पीछे हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे लग रहा है मैं नहीं जा पाऊंगी। और उसने गोल्फ कार्ड डिलीवर कर दिए, गोल्फ कार्ड में मैं उसे इतना नचाती, इतना तंग करती ना, कोई याद रखती। और अभी मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है, लाइक हैवी गाड़ी है। नुप के पास आई थिंक मोटर ट्रक आने वाला है, लाइक चारनो बुक मगरमच्छ आने वाला है, और वो पीछे से लेकर आएगी, तो मुझे काफ़ी जल्दी, नहीं इतनी भी जल्दी नहीं थी कि मुझे नीचे गिर, शेट 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 शेट, रिस्पॉन मारा है मैंने, और अब मैं नुप के पीछे जाऊंगी, वरना नुप मुझे, ये लुड़की नुप, ये लुड़की, संभाल लिया, फिर लुढ़क गई, संभाल लिया था उसके बाद भी लुढ़क गई है, मतलब पानी में जाकर डुबकियां लगाने के ना, अरे इतना शौक है ना उसे, इतना शौक है कि रात के टाइम पे स्विमिंग करना कितना डेंजरस सीन हो सकता है, बट नहीं, कहती तू ना कर फ्रॉगी, मैं तो स्विमिंग करने वाली हूँ, मैं तो मज़े करूँगी, तो मैंने कहा जा डूब पानी में। तो गाइस वो अपना चारनो बुक देखते हैं कितनी देर में डिलीवर करती है। ओ नहीं 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 नहीं, ये क्यों दे दिया, ये तो जाएगा भी नहीं, इसके तो टायर इतने मोटे, नहीं जाएगा ये, आधा लटका हुआ है गाइस, आधा लटका हुआ है, जैसे कि ओ माय गॉड, नहीं नहीं बहुत बुरा बुरा सीन है, इसके तो टायर लटक रहे हैं, बहुत गलत सीन है, बैड सीन है। जिसने भी ट्रैक बनाई है ना, आई डोंट नो कि क्या सोच के बनाई थी, बिकॉज ये तो बैड सीन है वेरी वेरी। और नुप भी सामने से इतना मोटा ट्रक ला रही है, वो मुझे ज़रूर गिरा देगी, क्योंकि ये आधा पागल ट्रक है, दोनों ही पागल है, बट ये कुछ ज़्यादा नफ्सियाती पागल ट्रक है। आ रही है वो, मुझे डरा रही है, आ जा, आ उई उई, पूरा ट्रक मेरा उल्टा हो गया, नहीं 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 नहीं, ये बहुत गद्दा सीन किया उसने, अब तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी बेटा, अब तो तू बच मुझसे, अब गई तू, अब तेरे को ऐसा धक्का मारूंगी, तेरी सारी मेहनत पानी में डाल दूँ, फिर से गिरा दिया। गाइस ये बहुत हैवी ट्रक है, वाकई में चारनो बुक हैवी ट्रक है, और ये मार्शल मॉन्स्टर ट्रक एकदम बेकार है बिल्कुल, इसका नाम मॉन्स्टर ज़रूर है, लेकिन ये मॉन्स्टर के जैसे रिएक्ट नहीं कर रहा, जबकि चारनो बुक मॉन्स्टर बना हुआ है और मगरमच्छ की तरह अपने शिकार को खाए जा रहा है। नुबड़ी अब मैं तुझे मार दूंगी, तूने तीसरी बार मुझे गिराने की कोशिश की, अब तो मेरे हाथों से गई। ओके, तो अब बहुत प्यार से ले जाते हैं, वो पीछे चली गई है अपनी गाड़ी को डिलीवर करने के लिए, उसको गिराने में हम नाकाम रहे हैं, बट इट्स ओके, दिल छोटा नहीं करना चाहिए, मैं उससे वैसे भी बहुत ज़्यादा आगे हूँ, बट ये ट्रक के ऊपर मैं वैसे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत बेकार ट्रक है, आप देख सकते हो कितनी पतली ट्रैक है, और इसके गिरने का खतरा मुझे हर वक्त बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और डर भी लग रहा है कि ये गिर गया तो मुझे फिर से लाना पड़ेगा। गाइस नीचे से पानी एकदम रेड हुआ हुआ है, शेडो पड़ रहा है ऊपर की जो लाइक ऊपर का जो ट्रैक बना हुआ है ना, उसका शेडो नीचे पड़ रहा है रेड, जबकि ऐसा लग रहा है जैसे पानी के अंदर ब्लड ही ब्लड हो, काफ़ी अजीब सा लग रहा है, मतलब हॉरर सीन है रात के टाइम पे हम कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि कोई भूत वूत ना निकल के आ जाए, या कोई ज़ॉम्बी ना निकल के आ रहा हो। खैर नुप तो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है, बट मैं अपनी गाड़ी को डिलीवर कर देती हूँ, लेकिन नुप फैंटम वेज लेकर आ रही है, तो नो पंगा, नो मोर पंगा, मैंने पंगा नहीं लेना, तो अपने रास्ते जा। वो सोच रही थी कि मैं रास्ता देख के इस तरफ आ जाऊं, बट वो आ नहीं सकती थी क्योंकि सीन ऐसा कुछ था नहीं। और अभी एक अच्छी गाड़ी है, ये थोड़ी स्पीड से चली जाएगी, बस इसके टायर भी फिट हो जाए। नुप फिर आ रही है, नुप का ट्रक गिर गया था, नुप अब मेरे पास मत आई हो, मैं उसको देखती देखती जाऊंगी, अगर वो आ गई तो बैंड बच जाएगी, लेकिन नहीं आ जाएगी, जल्दी नीचे जा, अब भले खड़ा हो जा, कोई टेंशन नहीं है, क्यों लगा देते हैं ऐसी ऐसी चीजें, खतरनाक। ओके
ये वाली गाड़ी काफी कूल तरीके से आ गई, लाइक अच्छी भी चलती है, स्पोर्ट्स कार है, हल्की सी है, ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ा, वो फास्टली आ गई। और गाइस मेरे पास विनी फ्लैग आ गया, वाओ ये तो एक बहुत बढ़िया सीन है। और लास्ट गाड़ी बक्की तो नहीं होने वाली है, बट बक्की के साथ फैंटम वेज का मुकाबला काफी कूल होने वाला है। और ये नुप तो मैंने कुछ किया ही नहीं, वो खुद जाके गिर गई है। ओ माय गॉड क्या सीन था देखने वाला, कि इतनी बड़ी नुपड़ी है वो कि उसकी गाड़ी ऑटोमेटिकली गिर गई है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, और वो मुझसे पंगा लेने के लिए आ रही थी, वो फट से गिर गई है। काफ़ी पतली ट्रैक है, काफ़ी मुश्किल हो रहा है, और जाहिर से बात है नुप को इतना ज़्यादा प्रोफेशनली तो खेलना आता नहीं है, ना कोई नुप इतनी ज़्यादा प्रो है कि वो ठीक से कर पाएगी, बट थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा उसको क्योंकि बहुत पतली ट्रैक है, बहुत तकलीफ। अगर यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स होते ना तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता, मैं तो फिर भी जीत जाती, बट नुप के लिए तो टू डिफिकल्ट होने वाला था, क्योंकि अभी उससे नहीं हो रहा है, सिर्फ मैं एक अकेली बंदी उसको मारने के लिए, बट नहीं हो पा रहा उससे। अगर बहुत सारा झुंड होगा तो नुप की जान निकल जाएगी मेरे ख्याल से। तो नुप पीछे आ रही है फैंटम वेज लेके, जल्दी से मैं इस पागल गाड़ी को लेकर जाती हूँ, पागल नहीं है हल्की पुल्की गाड़ी है, और फटाफट से एक टक्कर लगती है नीचे गिर जाती है, तो हमने बचना और बचाना है अपने आप को। साथ में मैं जीत गई हूँ, मजेदार सीन हो गया ये विनिंग टॉस नुप के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।